नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले राजधानी रायपुर से आज एक बड़ी जानकारी। पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी आज देखने को मिल रही है। 26 एएसपी का तबादला हो चुका है। दर्शन सिंह 12वीं वाहिनी रामानुजगंज ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रशांत कतलम जो कि मोहला मानपुर एएसपी अब बनाए गए हैं। ऑपरेशन डीसी डीसी पटेल जिन्हें एएसपी गरियाबंद की कमान सौंपी गई है। मधुलिका सिंह धमतरी एसपी होंगी। साथ ही साथ जेपी बढ़ाई जो कि अब एएसपी रायपुर पश्चिम के तौर पर सेवाएं देंगे। महेश्वर नाग एएसपी जगदलपुर। गृह पुलिस विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है। पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 26 नाम इसमें शामिल है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी, एएसपी का तबादला। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल और उसी दौरान देखने को मिलता है जब अफसरों और अधिकारियों साथ ही साथ पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी होती है। बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा फैसला। आगे बढ़ते हैं खंडवा से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गौमांस तस्करी की आशंका पर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया। पुलिस की कार्रवाई से हिंदू संगठन असंतुष्ट नजर आता हुआ। हिंदू संगठन के सदस्यों की पुलिस से बहस भी हुई है। तस्करी की आशंका में दो युवक हिरासत में लिए गए और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पूछताछ में अगर सबूत पाए जाते हैं गौ तस्करी के तो उसके बाद फौरन कार्रवाई भी करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस दौरान भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित होकर हंगामा करते रहे। ये पूरा मामला खंडवा का है। दो लोगों पर यह शक है कि गौ तस्करी की जा रही थी। महज आशंका को लेकर हिंदू संगठन विरोध जताते रहे। पुलिस भी यहां पर पहुंची, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, जमकर प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। तस्वीरें आप देखिए। हिंदू संगठनों के सदस्यों की पुलिस से भी बहस हुई है। तस्करी की आशंका को लेकर दो युवकों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई भी होगी। अगर तथ्य पाए जाते हैं गौ तस्करी के उसके बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। बहस की स्थिति, विवाद की स्थिति देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देखिए खंडवा की। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, लेकिन आशंका को लेकर गौ तस्करी की आशंका को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किस तरह से हंगामा करते रहे ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पुलिस यहां पर पहुंची, मोर्चा संभालने की कोशिश, समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद माने नहीं, हंगामा करते रहे। ये आश्वासन लगातार पुलिस की तरफ से दिया जा रहा था कि कार्रवाई करेंगे। सही, अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर, क्या माहौल शांत हो पाया है? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि फिलहाल माहौल शांत हो गया है और पुलिस ने समझाइश दी है हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कि जो मांग आप कर रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और खास बात यह है कि जो पुलिस है वो वेटनरी डॉक्टर से भी संपर्क कर रही है, डॉक्टर की जो परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, ये आश्वासन दिया है। और जो दो युवकों को अभिरक्षा में लिया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कुछ और लोग हैं जो इस काम में संलग्न थे उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो और लोग होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो फिलहाल जो जहां पर ये हंगामा कर रहे थे वहां पर जो है सभी को समझाइश दी गई है और लौटा दिया गया है और ये हंगामा फिलहाल शांत हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले को जो है फिलहाल शांत कराया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं उमरिया से अगली बड़ी खबर जहां महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। महिला के सीने में लोहे का सब्बल घोंप दिया गया। महिला की मौके पर ही जान चली गई। बारिश के पानी की निकासी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नौरोजाबाद थाने के भुंडी गांव की पूरी घटना, 3 साल से रंजिश चली आ रही थी और उसके बाद आज ये दिन जिसमें महिला को मौत के घाट उतार दिया है आरोपी। ग्राम भुंडी जिसमें मुड़ारहा टोला है, इसमें एक प्रेमबाई राय जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, इनका सुबह वही गांव के सुधू कोल से विवाद हुआ इनका
और विवाद इस बात का था कि महिला का पानी जो है बरसात के कारण आरोपी के खेत में जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों में विवाद हुआ है। और सुद्धू बैगा ने प्रेम बाई की सबल से मार करके हत्या कर दी है, जिसमें कि वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और पुलिस के द्वारा सुद्धू को। सिवनी से एक और बड़ी खबर, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की और उसे लेकर विवाद की स्थिति बनी। तीन बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। दुकानदार जख्मी हालत में जिसे जिला अस्पताल में ले जाया गया। घटना का वीडियो सामने आया, तस्वीरें आप देखिए कितने बेखौफ है यहाँ पर बदमाश कि दिन दहाड़े दुकानदार पर हमला किया जाता है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर पूरी बात शुरू हुई थी, लेकिन इतना बड़ा विवाद हुआ, चाकू से बदमाशों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। और अब सियासी खबरों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान को लेकर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के उतई पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए हैं, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। सीएम बघेल को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। सीएम ने कहा है कि हम बूथ को मजबूत करने के साथ ही सबको साथ लेकर चलेंगे, प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। सीएम ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का भी दावा किया है। बस्तर संभाग हम लोगों ने पूरा किया, अब दुर्ग संभाग आज से शुरू हुआ है और आज मुझे दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। तो उतई जो कि मेरे विधानसभा से बिल्कुल लगा हुआ पड़ोस में, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। सभी बूथ के हमारे जो साथी हैं उनसे बात होगी। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बूथ चलो अभियान चला रही है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के बड़े नेता दुर्ग जिले के दौरे पर लगातार है। अभियान को लेकर सिंहदेव ने भी कहा है कि पार्टी संगठन के ढांचे को फिर से नया करना चाहती है और इसी के लिए पहली कड़ी में संभागीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पांच संभागों के वरिष्ठ नेता जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें एकजुट करने का भी मंत्र दिया गया है। इसके बाद विधानसभा स्तर जोन सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस इस बार 75 से ज्यादा सीटें जीतने पर जोर लगा रही है। बूथ चलो अभियान है, प्रदेश की हमारी प्रभारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेश भाई सबने मिलकर ये तय किया कि चुनाव के पहले हम कांग्रेस के संगठन के ढांचे को फिर नया पुराना देखना चाहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि पहली कड़ी में संभागीय स्तर की बैठकें हुई, पांचों संभागों में कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को बुलाया गया और वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा और सब साथ एकजुट भी हुए। इसके बाद में हर विधानसभा स्तर पर जोन और सेक्टर स्तर के प्रभारियों की बैठक ली जा रही है और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मुरम खदान के पास दो पक्षों में विवाद की स्थिति देखने को मिली और बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच भी मारपीट शुरू हुई। बीच बचाव करने के लिए युवक पहुंचा था, लेकिन युवक पर भी वार हुआ, युवक भी बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिलासपुर की पूरी घटना, बीच बचाव करने गए युवक पर भी हमला हुआ, दो पक्षों के बीच बच्चों के विवाद को लेकर लाठी डंडे चल पड़े, बड़े आपस में भिड़ गए। मुरम खदान के पास दो पक्षों में विवाद की स्थिति, बीच बचाव करने के लिए युवक भी पहुंचा था लेकिन वो भी अब घायल अवस्था में। तो बिलासपुर से जानकारी, दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, बच्चों के विवाद में बड़े भी शामिल हुए, अचानक से मारपीट शुरू होने लगी। दोनों पक्षों को समझाइश देने के लिए जैसे युवक वहां पर पहुंचा, उस युवक के साथ भी मारपीट की गई, घायल अवस्था में ये व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि मैं छोटी सी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, जो कि मारपीट में धीरे धीरे तब्दील होता गया और उसके बाद बीच बचाव करना भी मुश्किल था, युवक को भी गंभीर चोटें आई। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति रही होगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिलासपुर का ये पूरा मामला, बच्चों के विवाद में बड़े भी भिड़ गए और उसके बाद शांत कराना उन्हें बहुत मुश्किल था। बीच बचाव के लिए युवक जैसे ही पहुंचा, ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जमकर लाठी डंडे चले हैं। महज छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, इतना बढ़ा कि लाठी डंडे लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, खुलेआम बीच रस्ते
मारपीट होती रही, कोई पत्थर उठाकर मार रहा था, लाठी डंडे चल रहे थे। तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी पहुंची, जमकर लाठी डंडे चलाए। सही के युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या था पूरा विवाद? देखिए अवंतिका, ये पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, उसके बाद दोनों पक्ष वहां पर आपस में भिड़ गए और जमकर लाठियां वहां पर चली, लाठी भांजी गई, कई लोगों को चोटें आई हैं और इसकी जांच फिलहाल सरकंडा पुलिस कर रही है। और मामूली सी बातों को लेकर के पहले एक दिन पहले विवाद हुआ था आपस में बच्चों के बीच, फिर अचानक से दो परिवार के दो विवाद है हुआ और जो लाठी डंडे चले और यहाँ तक वहाँ कंट्रोल करने के लिए, तब जाकर के मामला शांत हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। इधर उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे, बूथ चलो कार्यक्रम में शामिल हुए और उस दौरान लखमा मीडिया से भी मुखातिब हुए। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर कहा है कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है, साथ ही साथ आगामी चुनाव में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। टीएस बाबा को बहुत सामान्य व्यक्ति है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के सरकार में हर बनाने में हमारे माननीय भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष था, वो प्रतिपक्ष नेता था, मैं प्रतिपक्ष उपनेता था, हम लोग सब लोग मिलकर हर जनता का बीच में गए हैं। उनके टीएस बाबा को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगा, इसलिए मैं टीएस बाबा को भी। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी संपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में राजनंदगांव पहुंचे रमन सिंह, सुंदर स्थित डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और गायत्री विद्यापीठ स्कूल पहुंचे। यहां पर रमन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, पूरा विश्व हम पर गर्व कर रहा है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर बनी तो शराबबंदी की और बढ़ रही थी, इसमें कहते राज्य सरकार, राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ये कहना था रमन सिंह का। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, इन सारी बातों को लेकर किस प्रकार 60,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण, 7 लाख गाँव को जोड़ने का काम और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पूरे इस देश में जो व्यवस्था बनी है, जिसमें आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था गरीबों के लिए की जा रही है, 80 करोड़ लोगों के लिए कोविड काल में भोजन की व्यवस्था, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 3 करोड़ से ज़्यादा आवास के निर्माण, अभूतपूर्व काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसकी चर्चा हुई और संपर्क से समर्थन, ऐसे स्कूल में आकर यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बात करने का अवसर। इधर दुर्ग की चर्चा करेंगे जहां 2 करोड़ रुपए की ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कार से आए 5 ठगों ने राइस मिल संचालक से 2 करोड़ रुपए ठग लिए, फरार हो गए वहां से। ठगी में 10 लोगों के शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ठगों के नागपुर की तरफ फरार होने की आशंका भी है। मोहन नगर पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी है। के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उनके साथ में कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारी बन करके ठगी की है। वो उनके शॉप पे आए और वहाँ पे उनके पास कुछ कैश पैसे रखे हुए थे, वो कैश पैसे उन्होंने जब्ते के नाम पर लिए और लेकर के फिर उनको भी कुछ दूर साथ ले गए, उनको उतार करके फिर आगे निकल गए। तो सूचना मिलते साथ हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके मामले में जाँच चालू कर दी है और हमारी कार्रवाई जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हमको सफलता मिलेगी। कवर्धा की अब चर्चा करेंगे जहां बकरीद के त्यौहार की रौनक देखने को मिली। आज नगर सहित सभी प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई, सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए, अमन चैन शांति के लिए दुआ की गई। बात करेंगे बलौदाबाजार की जहां पर शिवनाथ नदी में नहाने गया एक युवक लापता बताया जा रहा है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि युवक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया होगा। पुलिस को नदी के घाट के पास युवक के कपड़े मिले और इन कपड़ों में से युवक का आधार कार्ड और पर्स मिला है। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
12:30 बजे एक व्यक्ति नदी में डूब गया है और तेज बहाव था जिसमें उसको बचाने की कोशिश किया गया लेकिन वो कहीं पता नहीं चल रहा है। तब मौके पर तत्काल पुलिस आए और ग्रामवासियों के साथ मछुआरों की मदद से आसपास तलाश किए, कहीं पता नहीं चल पाया। बाद में पता उसके जो नहाने के लिए कपड़ा उतारा था तो उसका आई कार्ड मिला जहाँ पे उसका नाम आजाद अग्रवाल निवासी खरसिया का होना पता चला। तो इसी के साथ खबर दिनभर में इतना ही। नमस्कार।